अब जो है इसका पेयर कंप्लीट हो चुका है। इसकी फीमेल ये देखिए ऊपर बैठी हुई है, जो मैं रात को लाया था, एक्सचेंज की थी मैंने, और उसके बाद ये मेल हमारा वही सेम है। दरवाज़ा खोल दो, इनका बाहर आ जाए, कबूतर सारे जो है वो अंदर है, अभी तक बाहर नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और केयर कर रहे होंगे। तो बर्ड्स के पास मैं आ चुका हूँ, और ये देखें मुर्गियाँ, इनको खोलते हैं अभी, ये कल से बंद हैं, तो इनको खोलते हैं, बाहर चली जाएँ। गेट भी खोल दो बड़ा वाला, और उसके बाद ये देखें इसको भी खोल देते हैं आज। ये इसको मैंने खोला ही नहीं है बेचारे को, रैबिट्स हमारे इधर, और ऊपर से बाकी सारे जो मेरे इधर ठीक बैठे हैं, और फिंचेस तो दाना पानी देखते हैं इनका, जिनका नहीं है उनका चेंज करते हैं। उसके बाद पानी इनका खत्म हो चुका है, और इनके पास दाना नहीं है, और इनका भी दाना पानी ख़त्म हो चुका है, और इनका भी बजीज का तो बिल्कुल ही ख़त्म है। और उसके बाद इसका चेक करते हैं, इनके पास भी थोड़ा है, तो ऐसा करो कि दाने वाली बाल्टी जो है वो ले आओ, इनका दाना पानी भी चेंज कर देते हैं सबका। मुर्गा हमारा उधर चला गया, एक मुर्गी, दोनों मुर्गियाँ उधर, और ये बेचारा अकेला। आज देख लें करीब से नई वाली डव जो है हमारी, जो मैं कल लेके आया हूँ, ये रही। तो इनका कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है, वाइट और ब्राउन कलर की हैं दोनों डव्स। तो ये मैं कल रात को लेके आया था, वाइट वाली मैंने दे दी, तो इंशाल्लाह वाइट वाली नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे हम जब भी दूसरे सिटी जाएंगे। तो उसके पास पेयर नहीं था, वाइट वाले दोनों ही मेल थे, तो वो मैंने दे दी। उसके बाद ये जो है वो पेयर था, उसने बोला कि कन्फर्म पेयर है, तो ये मैं लेके आ गया। तो यहाँ पे बंद कर दिया, बाकी मुर्गा मुर्गी दोनों जो है वो बाहर हमने भेज दिए, बाहर चले गए, वो दाना पानी वहाँ पे खा लेंगे, बंदे बैठे हुए उनको मैंने बोल दिया। उसके बाद जो है हम उन्हें वापस ले आएंगे, और फिंचेस जो हैं अभी से नहाने लग गई, और उसके बाद वो तो डरते हैं हमसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ हम दूर चले जाएं तो वो नीचे आके दाना खा लें। क्योंकि अभी मैंने दाल चावल डाले थे, मुर्गा खा के वहाँ से दूसरी मुर्गी के पास चला गया, और ये अभी तक यहाँ पर खा रही है दाल चावल, और रैबिट्स को भी चावल डाले थे वो भी खा रहे हैं, जो हमारे पास एक पेयर बचा है। उसके बाद ये भी बाहर से घूम फिर के आ गए थे अंदर, तो इनको मैंने अब सोच रहा हूँ कि अंदर ही बंद कर दूँ, बाहर ना जाने दो अभी, क्योंकि कोई एतबार नहीं होता, बच्चे उठा के ले जाएंगे इनको। कबूतर हमारे पानी में नहा रहे, और कुछ नहा के अंदर चले गए, सुखा रहे खुद को, जैसे कि ये देखिए इसने पूरा खुद को गीला कर लिया था। उसके बाद कुछ अंदर भी चले गए सुखा रहे खुद को, और अभी दिखाता हूँ आपको बच्चे की ग्रोथ, देखें माशाल्लाह कैसी हो रही है, ये देखें बच्चा हमारा कैसा कितना बड़ा हो गया, और कलर मुझे लग रहा है बहुत ही प्यारा आएगा इनका। और यार इसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही, और उसकी ज़्यादा हो गया, इसके बच्चे भी सही हैं, अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि वो बच्चों के ऊपर बैठी हुई है, बार बार डिस्टर्ब हो जाएगी। थोड़ी देर पहले भी मैंने देखे थे इनके बच्चे, मुर्गे और मुर्गियाँ हमारी खुली हुई हैं, ये देखें आते ही इतना टेंशन हो गया, बंदा क्या कर सकता है इसका बस। और पूरा दिन जो है वो बोलता रहता है, चुप ही नहीं करता, घर वाले तंग हो गए अभी से, एक दिन ऐसा हुआ है और सारे तंग हो गए इससे, पूरा दिन बोलता रहता है। और उसके बाद ये तीनों चारों बस इधर ही हैं, और अभी मैंने इनको दाल चावल डाले थे, आपको दिखाया मैंने, वो खा रहे थे। उसके बाद अभी मिट्टी में खेल रहे थे, तो मैं बंद करके और ये भी दरवाज़ा बंद करके चला जाता हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे इनको डिस्टर्ब करेंगे, तो इनको अपने घर में बंद करते हैं, और फिर क्या पता मुर्गियाँ आज अंडा दे दें, रोज़ इनके अंडे का इंतज़ार होता है, तो वो इतना सीधा कैसे हो गया, अपने केस में खुद ही चला गया। तुम क्यों उसके पीछे जा रही हो? इस वाली मुर्गी को पकड़ो, इसको अपने केस में डालो, रेड वाली को। हाँ पकड़ो पकड़ो, मुर्गा आ जाएगा लड़ने के लिए, बंद कर दो, तो इसको मैं लॉक लगा देता हूँ, और उसके बाद वो उसको लॉक लगा देता है, तो अब बंद हो गए। रैबिट को मैंने अभी, ये देखें अभी भी शुरू हो गया, तो रैबिट को अभी मैंने रोटी भी डाली थी, इनको भी रोटी डाली थी, इन्होंने भी खा ली। उसके बाद डव्स मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं, तो वो वाली डव शायद बड़ी वाली जो है ना वो उड़ नहीं सकती, तो अभी मैं उसको निकालता हूँ, क्या पता वो उड़ लें, तो घर लेके जाता हूँ, घर वालों को दिखाता हूँ जाके। एक इसने तोड़ दिया अंडा, यार ये कहाँ से आ गया, तो अभी देखते हैं, इन्होंने खुद तो नहीं तोड़ा, कितने अंडे इनके। यार इस वाली फीमेल ने, मुझे लगता है ये बार बार लोग देखते हैं ना कि बच्चे, तो इसने जो है एक अंडा नीचे गिरा दिया है, तो अब क्या कर सकते हैं यार। एक की उसने बजी ने ब्रीडिंग की थी, अंडे दिए थे, उसने भी गिरा दिया, और ये देखे मैंने डव को हाथ पे लिया हुआ है, तो अभी मैं इसको घर लेके जाता हूँ।
ये जा रहा था मेरे हाथ से, तो अभी इसको घर लेके जाते हैं और थोड़ी देर रख के फिर वापस ले आएंगे। इसको अपने घर में छोड़ देते हैं, इसके केज में इसके पर जो है ना वो निकले हुए थे, तो अभी जो है नए पर इसके आ रहे हैं। मैंने अभी चेक किया है तो शायद उन्होंने जिसे मैं लेके आया उन्होंने पर निकाले होंगे, उसके बाद जो है वो नए पर अभी इसके निकल रहे हैं। इंशाल्लाह 15-20 दिन में पूरे पर इसके आ जाएंगे। जो है कबूतर हमारे सारे अंदर चले गए, इनको दिया इतने शरीफ हो गए कि शाम होते ही अंदर चले जाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 इधर हैं, उसके बाद जो है बाकी देखता हूँ उस वाले केज में, दूसरे वाले केज में कितने। तो 7 तो इसमें हैं तो मुझे कम लग रहे हैं कबूतर। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कबूतर हैं, और एक जो है वो ऊपर बैठा हुआ है, वो तो नीचे आता ही नहीं है, जब देखो वहाँ पे ऊपर बैठा रहता है। वो देखें, इसको उतारना पड़ेगा। उतारा है इसको, जो है अभी केज में डाल दो उस वाले में, उड़ जाएगा। छोड़ दो, खुद ही पकड़ते हैं थोड़ी देर बाद, ये हाथ ही नहीं आ रहा। देखिए वहाँ पे आ गया, तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हो रही है, पूरा वाइट होता जा रहा है। ये बस अपनी बस मर्जी का मालिक है, पूरा दिन घूमता रहता है घर में, हम कुछ नहीं कहते ना ही इसको, मतलब के कैद करते ना ही कुछ। रात के टाइम इसको बस बंद करना पड़ता है, इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। तो हमारे इतने सारे ज़ॉम्बीज में से एक ही बचा है, इसको हम नहीं छेड़ते, पूरा दिन घूमता रहता है, और उसके बाद रात के टाइम बस इसको केज में बंद करते हैं, कबूतरों से अलग छोटे केज में बंद करते हैं, और फिर दिन को पूरा दिन इसका दाना पानी कबूतरों के साथ होता है, और जो चीज़ें घर में होती है चावल वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो ये खाता रहता है। उसके बाद ये एक ही बचा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसकी पार्टनर लाएंगे वाइट कलर की फीमेल, अल्लाह करे ये बड़ा हो जाए, उम्मीद तो यही है। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा होगा, मैंने पहले भी एक चूज़ा पाला था, वो मेरा बहुत बड़ा हो गया था, बहुत प्यारा हो गया था, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि ये भी बड़ा हो जाए और मैं इसको बड़ा होता देखूँ, और माशाल्लाह बहुत प्यारा बनेगा ये। तो अभी बाहर जाते हैं, बाहर वाले मुर्गे मुर्गियों को और तोतों को देखते हैं। देखिए बुलबुल बेटी है ना, इन्होंने भी यहाँ पे घर बनाया है, जो वाइट कलर का इधर मैंने घर दिखाया था ना, और रुई जमा की हुई है इन्होंने, जो ये वाला घोंसला है ना ये वाला इनका है, और ऊपर से ये यहाँ पे जो इसका था ना घोंसला डव का, वाइट वाली डव का, उसने जो है सारा गिरा दिया था, तो यहाँ से दूसरी डव जो है तिनके एक एक करके उठा के ले गए। उसके बाद मुर्गियाँ जो है वो कब की खुली हुई थी, इतनी देर से खुली हुई थी, अभी मैंने बंद किया है इनको, थोड़ी देर पहले ही बंद किया है, क्योंकि बाहर ये मुर्गा जो है दूसरी मुर्गियों के साथ लड़ाई कर रहा था, ये फाइटर मुर्गा है हमारा, तो दूसरे मुर्गी मुर्गियों के साथ ये कर रहा था लड़ाई, तो इसलिए मैंने इनको कर दिया बंद। उसके बाद अंडा जो है यहाँ से गुम हो चुका है, जो यहाँ पे था। बालू को देखे कबूतर बंद कर रहा है सारे, इसकी ये ड्यूटी जो है ना रात के टाइम इसकी होती है कबूतर बंद करने, तो पूरे कबूतर देख लिए तुमने? मैंने देखे थे पूरे थे, बाकी एक जो है वो रहता था, वो जो छोटा वाला लक्का है वो डाल दिया है इसमें, तो हाँ वो भी बैठा हुआ है सही से। हाँ लगा दो आगे, सही से है इससे, तो कबूतर हो गए बंद, और चूजे को भी बंद करो इस वाले केज में। तो यार अभी रात का टाइम हो चुका है, और अभी इन परिंदों को डिस्टर्ब नहीं करते, बस इनको जो है अपने हाल पे ही रहने देते हैं। उसके बाद आज का व्लॉग जो है वहीं तक था, मिलेंगे इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।